भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा मेलबर्न में दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रद्द कर दिया गया। आज यहां आपको बता दें कि वर्षा से प्रभावित मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद भारत का फैसला सही साबित भी हुआ। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो पहले ही ओवर में आरन फिंच की विकेट भारत को मिल गई, जिसके बाद भारतीय टीम को बाकी बल्लेबाजों को आउट करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। क्रिस लिन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉयनिस और डार्सी शॉर्ट का विकेट भारत को जल्दी मिल गया और 62/5 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया था, जिसके बाद नाथन कुल्टरनाइल बल्लेबाजी करने आए। उसके बाद कैरी की विकेट गिरी, कुल्टरनाइल ने एक ताबड़तोड़ मोमेंटम पकड़ाया ऑस्ट्रेलिया को, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 19 ओवर में 132 रनों तक पहुंच गया। बस इसके बाद भारत के लिए विलन बनकर सामने आई बारिश, जहां बारिश ने पूरी तरह से मैच में खलल डाली। पहले रिवाइज टारगेट 19 ओवर में 137 बना, भारतीय बल्लेबाज जैसे ही बाहर आए बारिश फिर से आ गई। इसके बाद फिर भारत को वेट करना पड़ा, 11 ओवर में 90 रन का टारगेट मिला, फिर बल्लेबाज जब मैदान पर आ रहे थे फिर से बारिश आई और फिर खेल को रोकना पड़ा, जिसके बाद आखिरी टारगेट 5 ओवर में 46 रन का था और कट ऑफ टाइम 10:02 था लोकल टाइम के हिसाब से, लेकिन मैच को फिर से रोकना पड़ा और मैच को अंत में कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, यानी कि भारत अब सीरीज गंवा चुका है। सीरीज का डिसाइडर सिडनी में खेला जाएगा, देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस तरह से सिडनी में परफॉर्म करता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।